देखो हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे बच्चों का आएगा 95 नंबर पार, तो आप भी मेरे साथ बन जाइए। और मैं भी आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला लंबे टाइम तक कैसे किसी चीज़ों को याद रख सकते हैं, लंबे टाइम तक कभी तक हम भूलेंगे नहीं। तो बच्चों अभी देखो मैं जो बेसिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला है मैं तुमको याद करने का तरीका बताता हूँ, लंबे टाइम तक कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से एक एक फार्मूला की बात बताने जा रहा हूँ। पहला मान लिया जाए, पहला फार्मूला जैसे डी अपॉन डी एक्स और एक्स, यानी कहा जाता है कि एक्स का डी सी क्या होता है। तो मैं आज आपको बता दूं कि एक्स का डी सी वन होता है, लेकिन इसको याद कैसे करोगे तो आप ये समझिए ना, एक्स एक्स बोले तो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को एक्स कहा जाता है, तो आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो कैसी थी, नंबर वन थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी नंबर वन। यानी जैसे ही आपको बोले कि एक्स का डी सी क्या होगा तो एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वन। यानी ऐसे समझेंगे कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो कैसी थी, नंबर वन थी। और इस प्रकार आपका फार्मूला नंबर वन क्लियर हो गया। फार्मूला नंबर टू की बात करते हैं, तब फार्मूला नंबर टू तो इसका बोला जाता है के एक्स का डी सी क्या होता है, के एक्स का डी सी क्या होता है, ये होता है के। लेकिन आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा कि के एक्स का डी सी के है क्या, तो मैं बता दूं। सबसे पहले इसका एग्जांपल एक दो बता देता हूं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे d अपॉन डी एक्स और ये लिख दूं मैं 4x, ठीक है ना। k यहां क्या दर्शा रहा है, k दर्शा रहा है माने कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो यानी नंबर, जो भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट, k किसका दर्शा रहा है, कांस्टेंट। तो इसका dc क्या बताता है कि सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, यानी क्या बचेगा, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला मान लिया जाए कि यहाँ पे 50x होता तो इसका डी सी क्या हो जाता है, इसका डी सी हो जाता है 50। यानी x हट जाता है, सिर्फ बचता क्या, जो संख्या रहता है, जो डिजिट रहता है वही बचता है, ठीक है ना। तो भाई इसको याद कैसे करोगे, कहो कि सर इसको याद करने का तरीका तो बताए ही नहीं, तो मैं बता देता हूँ। अरे मान लिया जाए कि जैसे x, तो मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ, और जब मुझे छोड़कर चली गई, मुझे जब छोड़कर चली गई तो ये के मन है कमीना, के बोले तक कमीना, तो क्या उम्मीद है कि कमीना को नहीं छोड़ के चल जाएगी, ठीक है ना। तो हम ऐसे याद करेंगे कि अगर के एक्स का डी सी, के एक्स का डी सी, तो कहोगे अच्छा ये एक्स है सर, एक्स ये तो छोड़ के चल गई है, सिद्का को जब छोड़ के चल गई तो कमीना को क्यों नहीं छोड़ के जाएगी, तो इसका मतलब क्या बचेगा, के बचेगा, क्लियर है ना। तो दो फार्मूला तो लगभग क्लियर हो गया। अब फार्मूला की बात करते हैं, तीसरा फार्मूला, चलिए तीसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला आपका ये रहा d अपॉन डी एक्स और अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, अंडर रूट एक्स। यानी ऐसे कह सकते हैं कि रूट एक्स का डी सी क्या होता है। तो देखिए आपकी जो x है इससे बहुत पुराना रिश्ता है, नाता है, कैसे, क्योंकि यही वो x है जो मुझे छोड़ के गई थी। अब बताइए ये x अभी घूंघट तान के आई है मेरे पास, यानी देखो ना घूंघट में बंद है कि नहीं, तो जो घूंघट में बंद है तो इसको कहेंगे अरे तुमको हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तुम एक तो मुझे छोड़ दी, उसके बाद तू कमीना के सेट हो गई थी जो के एक्स का डीसी बताया, और इस बार घूंघट तोड़ के आई है, मतलब हम कितनों घूंघट तोड़ ले, कहेंगे तुम मेरे नज़रों से गिर चुकी हो, मतलब समझ रहे हैं ये रूट था, जो रूट था ऊपर लेकिन नज़र से गिर गई है, इसीलिए रूट कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब इस सर दो को कैसे याद करेंगे, तो दो को ऐसे याद करेंगे कि ये दो बार मेरे नज़रों से गिरी है, एक बार तो मुझे छोड़ दिया है तब, एक बार हमरा छोड़ के ये कमीना के साथ सेट हो गई है, तो दो बार मेरे नज़र से गिर गई है, और दो बार गिरला के बाद ये घूंघट उड़ के आती है, तो इसको कहेंगे सुनो वन बाई टू का मतलब तू दो बार मेरे नज़रों से गिर गई है, यानी रूट एक्स कहाँ हो जाएगा यहाँ, यानी आज समझेंगे कि रूट एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। जब फार्मूला नंबर चौथा की बात करेंगे तो फार्मूला नंबर होता है चौथा, ये लीजिए एक्स के पावर एन, इसको पर थोड़ा एक दो को एग्जांपल देंगे उसके बाद करवाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इसका क्या होगा, तो बंधु ऐसा है ना, इसको बनाना बिल्कुल बहुत आसान है, कैसे, तो ये पावर बगल में आता है और एक पावर कम जाता है। देखो इसको कैसे याद करेंगे, ये -1 है, चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई बूढ़ी औरत माथा पे टोकरी लेके सामान बेच रही है, ठीक है ना,
अब बोले कि बेटा टोकरी उतार दो, यानी ये टोकरी को बगल में उतार देना है। उतार दिया, अब टोकरी बगल में उतार दिया, बूढ़ी फल बेच रही थी, फल बेच ली, फिर बोली बेटा माथा पर टोकरी रख दो, यानी फिर से टोकरी रख देना, लेकिन तुम एक शैतान बच्चा हो, कमीना बच्चा हो, तुम कहेंगे टोकरी उतारे तो फल तो थोड़ी ना उतारे हैं, यानी टोकरी में से ये काम क्या कर लेना है, चुरा लेना है। फॉर्मूला नहीं समझे, एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे डी एक्स, और कोई बोले एक्स के पावर 7 का क्या होगा, तो कोई अच्छा माथा पर टोकरी ले ले है, तो टोकरी को उतार दो, टोकरी उतार दिया, और एक्स का एक्स, देखो टोकरी यहाँ भी एन था तो टोकरी उतारे थे एक्स का एक्स, और टोकरी में से एक काम चुरा लेना है, क्यों, क्योंकि तुम उतारने के बदले, तो 7 था तो एक काम चुरा लेना था, कितना हो गया 6, देखो यहाँ भी हम एक काम चुराए थे, टोकरी एन था तो एक काम चुरा लिए थे, यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी एक चुरा लिए, तो क्या हो गया 6। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसे बोले डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर 100, एक्स के पावर 100, तो कहोगे अच्छा सर इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, टोकरी है ना, तो टोकरी को उतार दीजिए, इसमें से ये काम चुरा लीजिए, तो 100 है ये काम चुरा लीजिएगा, कितना हो जाएगा 99। तो बस चार फार्मूले तो क्लियर हो गए, अब बाकी बचते हैं पांचवे फार्मूले, तो पांचवे फार्मूले का मैं डिस्कस बहुत अच्छे से कर देता हूँ। पांचवा फार्मूला आता लॉग एक्स, पांचवा फार्मूला आता है लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, तो लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x। कैसे याद करेंगे तो समझेगा, अच्छा लॉग, लॉग माने लोग, पीपल, लोग, तो कहेंगे लोग बहुत गिर चुके हैं, यानी एक्स जो है वो कहाँ गिर गया, मतलब नीचे लिखाना है, गिर गया मतलब नीचे लिखाना है, यानी लॉग का डीसी हो गया 1/x, मतलब लोग जो है बहुत गिर चुके हैं, ठीक है ना। पांचवा फार्मूला क्लियर। छठा, छठा फार्मूला आता है डी वाई बटा डी एक्स ई के पावर एक्स। अच्छा तो समझेंगे, ई के पावर एक्स का डीसी हो जाता है ई के पावर एक्स, अरे ई माने आइसन, ई माने आइसन, ई माने आइसन, तो ऐसा का डीसी ऐसा, ऐसा का डीसी ऐसा, मतलब ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स। अब देखते हैं सातवां फार्मूला, इस पर एग्जाम्पल, सातवां पे हमको एग्जाम्पल दे के समझाना होगा, ये बोर्ड में बार बार पूछता है ए के पावर एक्स का डीसी क्या होगा, तो इसका होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, भेयर, भेयर, ये जो भेयर ए है ना, तो ये बराबर क्या, ए कांस्टेंट को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कांस्टेंट को। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि आप डीसी बताइए, 3 के पावर x का डीसी बताइए, तो देखिए यही वाला फार्मूला सेट करेगा, कहोगे कैसे सर, अरे भाई ए ए माने कोई कांस्टेंट, देखिए देखिए तो कांस्टेंट के पावर एक्स है ना, कांस्टेंट के पावर एक्स है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो कहता पहले जैसे है वैसे लिख दो, पहले जैसे था वैसे लिख दो, यानी 3 के पावर x इंटू लॉग, लॉग ए कह रहा, तो ये कौची है, यही बेस वाला ना, तो यह मेरा 3 है, तो क्या हो गया 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी आज के बाद अगर 1 के पावर x का कोई डिफ्रेंसिएशन पूछेगा तो 1 के पावर x इंटू लॉग, ठीक है ना। एगो रैंडमली ये फार्मूला याद कर लोगे, कभी कभी बहुत यूज में आ जाता है कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 1/x का डीसी क्या हो जाता है, तो माइनस में 1/1+x2, रैंडमली याद कर लोगे कि 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x2, क्लियर है ना। यहाँ तक बहुत आसान था, अब 6 फार्मूला याद करना और बिल्कुल आसान है, ट्रिग्नोमेट्री वाला तो बहुत आसान है एकदम, इसको अभी देख लोगे जिंदगी में कभी मत भुलाना, भूल गया भूल न जाना रे, ठीक है ना, यानी बचपन का प्यार मेरा भूल न जाना रे, ठीक है ना। तो यहाँ से वही डीसी है, 9वां नंबर डीसी देखिए, जैसे आप डी वाई बटा डी एक्स साइन का डीसी पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है जी, तो साइन का डीसी हो गया कॉस एक्स, ठीक है ना। 10वां नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉस का डीसी, तो कॉस का डीसी हो गया -sin x। अब देखिए याद करना कितना आसान है, तो देखिए सुधरल, एस माने सीधा साधा सुधरल, और सुधरल के दोस्त कौची, सी माने कमीना,
तो यानी जैसा ही बोलेगा साइन, तो अच्छा सुधरल के डीसी पूछ रहे हैं सर, सुधरल का डीसी हो जाएगा कमीना, यानी साइन का डीसी कॉस। अब बात आता है कॉस, कॉस तो देखो जब भाई सुधरल के दोस्त कमीना है तो कमीना के दोस्त भी कौची रहेगा, सुधरल रहेगा। ऐसा थोड़ी है दोस्ती एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से। यानी कॉस का डीसी क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अब बात आता सर ये तो माइनस में, तो आज तुमको हम बता दें डिफरेंशिएशन में जितना भी आदमी सी से स्टार्ट होगा सब कौची में रहेगा, माइनस में। सी बोले तक कमीना, और कमीना आदमी सब दिन कर जम रहा था। आज सुन लो कि कमीना आदमी सब दिन कर्ज में रहता है, यानी जब भी सी से स्टार्ट वाला कोई फंक्शन मिले वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। क्लियर है ना। 11 नंबर फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स टाइन एक्स का डीसी क्या होगा, तो समझिए टाइन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। याद कैसे करेंगे, तो टी मने टन टनमा, टी मने टन टनमा, टनटनमा बोलिए या टुनटुनमा बोलिए, ठीक है ना। तो टी मने टनटनमा, टनटनमा बहुत बोलता था, लोगों को बहुत परेशान करता था, तो एक दिन उसको मार के सेकैया कर दिया गया। सेकैया समझते हो, मार के सेकैया कर दिया गया। यानी जैसे ही कोई आपसे पूछे अच्छा सर टैन के बारे में पूछ रहे हैं, टैन के बारे में, टैन मने टनटनमा, तो सर टनटनमा के मार के तो सेकैया कर दिया गया। यानी टैन का डीसी कौची, सेक स्क्वायर। टैन का डीसी क्या, सेक स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे तीन फार्मूला और याद कर लेते हैं। 14 देखिए, अच्छा यहाँ देखिएगा सेक का डीसी क्या होगा, यहाँ भी क्वेश्चन समझने वाली बात है। देखिए टाइन का क्या कर दिया गया था, सेकैया कर दिया गया था। अब सेकैया कर दिया गया है तो उसके बाद दोस्ती हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए टाइन का डीसी कोची हो गया था, टाइन का डीसी सेक स्क्वायर। आज जब कोई सेक का पूछेगा तो कहोगे अच्छा सर आप सेक के पूछ रहे हैं, तो सेक के तो सेकैया किया है सर, कौन से कैया किया, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, नहीं समझा। अगर टाइन का डीसी पूछता तो सेक स्क्वायर, यानी टनटनमा के मार के सेक दिया गया था। तो अगर यहाँ पूछे सेक का, तो अच्छा सेक क्या, तो कौन से का है, तो सेक को कौन से का था, टाइन। यानी सेकैया के बाद सेक और टाइन मिलके जबरदस्ती एकदम जबरदस्त दोस्ती किया है, एकदम भरपूर वाला, यारा तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो सेक का मतलब समझेंगे कि सेक का डीसी सेक इंटू टेन एक्स, दोनों का दोस्ती हो गया। क्लियर है ना। अगला पांचवा, पंद्रहवा, चलिए पंद्रहवा में अगर आपसे कोई पूछे कि कॉट का डीसी क्या होगा, कॉट का, तो समझिए एरो में टी था तो इसको भी सेकैया हुआ, एरा में शुरू में टी हलाए तेरा शुरू में सेकैया हो गया है, और एरा में देखिए बाद में टी है तो एरो सेकैया होगा, लेकिन एरा में को है ना तो आगे को लग जीते, अब बाद में टी हलाए इसीलिए बाद में सेकैया होगा, समझ रहे हैं। पहले तो को के को लिख देवे, अब बीच में टी लिखा ले, अच्छा टी मने टन टनमा है ना, तो टैन को सेकैया कर दिया गया है। अस्सी से स्टार्ट है माने कमीना है, इसका मतलब ये तो माइनस में हर हाल में होगा ही, ठीक है ना। अब 16 नंबर क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि कौशिक एक्स का डीसी क्या होगा, तो देखो कौशिक एक माने एक रो से कैया किया गया, कौशिक एरो से कैया किया है ना, किया गया है ना, तो कौन से कैया किया, थोड़ा सा दोस्ती हो जाएगा। तो पहले तो सी से स्टार्ट है, तो जैसे ही सी से स्टार्ट है माने माइनस में, अब सेकैया सेकैया, तो दोनों में दोस्ती हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसे सरिया के लिखा जाता है, कॉसेक एक्स इंटू कौची कॉट एक्स। मतलब कि टी एरो में हले तो सेकैया हुआ, लेकिन टी बाद में हले इसीलिए बाद में सेकैया लिखा गया। अब फिर कोसेक कोई डीसी पूछ रहा, कोसेक जैसे ही करना कोसेक, अच्छा कोसेक तो रोज से कैया हुआ था लेकिन बाद में हुआ था, तो कोसेक क्या से कैया कौन क्या था, कॉट, तो दोनों में दोस्ती हो गया। यही 14-15 फार्मूले होते हैं बेसिक, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो लव यू बच्चों, उम्मीद करता हूँ पूरा फार्मूला याद हो गया होगा, इसी तरह मैं वीडियो को लाता रहूँगा, आप टेंशन ना लीजिए, बेफिक्र होकर पढ़िए। लव यू बच्चों, बाय।
बाकी आगे